हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल नेचर ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। नेचर ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल चैनल में सबको करते स्वागत। आज का डेस्टिनेशन है गुवाहाटी रोपवे, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है। और इस गुवाहाटी रोपवे में सफ़र करने के लिए आप लोग को कहाँ आना है, इसका एंट्री फी कितना है और कितना समय का ट्रिप है, और गुवाहाटी रोपवे का बारे में सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। गुवाहाटी रोपवे में आने के लिए सबसे पहले आप लोग को आना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी में है गुवाहाटी रोपवे, या तो पान बाजार आप लोग को आना है, वहाँ से आप लोग गुवाहाटी रोपवे का आनंद उठा सकते। सबसे पहले हम लोग गुवाहाटी रोपवे का टाइमिंग देख लेंगे। गुवाहाटी रोपवे महीना का 2nd और 4th थर्सडे को बंद रहता है, और इसका टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। बीच में 1 से 1:30 बजे तक एक लंच टाइम होता है, उसमें रोपवे का सफ़र नहीं होता है। और इसका कॉस्ट है एक राउंड के लिए 100 रुपीज़, और अगर बोथ साइड आपको आना और जाना है तो आप लोग को 150 पड़ेगा पर पर्सन के लिए। 3 साल से नीचे बच्चा के लिए बिल्कुल फ्री है, और 3 साल से 12 साल और सीनियर सिटीजन के लिए 50% कॉस्ट है। और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक साइड के लिए 300 रुपया और बोथ साइड के लिए 500 रुपया पड़ेगा। और इसको इनोग्रेट किया गया था 24 अगस्त 2020 को CM श्री हेमंत बिस्व शर्मा का द्वारा। अब आते हैं गुवाहाटी रोपवे का सारा डिटेल्स को लेके। गुवाहाटी रोपवे का टोटल डिस्टेंस है 1.8 किलोमीटर का, जो गुवाहाटी पान बाजार से नॉर्थ गुवाहाटी के लिए चलता है। और इस गुवाहाटी रोपवे में आप लोग को एक ट्रिप का समय लगेगा 5.5 मिनट, और बोथ साइड के लिए आप लोग को 12 मिनट का सफ़र रहेगा। और आप लोग को एक टिकट का वैलिडिटी बोथ साइड के लिए 2 घंटा रहेगा, वहाँ पे जाके आप लोग आराम से 1.5 घंटा घूम सकते हैं और फिर रिटर्न बैक कर सकते हैं। पहले आप लोग को टिकट कट लेना है, उसके साथ एक ID नंबर भी आप लोग को देना है। उसके बाद इस गेट से आने के बाद आप लोग का सिक्योरिटी चेकिंग होगा, और टिकट भी चेक किया जाएगा, और कुछ आप लोग का बॉडी पार्ट्स भी सब कुछ चेक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बैठने के लिए दिया जाएगा। और जैसे लिफ्ट तैयार हो जाएगा तो आप लोग को लिफ्ट में लेके ऊपर में लेके चला जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग लिफ्ट जाने के लिए तैयार हो रहा है। और एक रोपवे में एक ट्रिप में 30 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, 30 से ज़्यादा आदमी रोपवे में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग का रोपवे आ चुका है, हम लोग रोपवे में चढ़ने के लिए बेतबी से इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आप लोग को रोपवे का भीतर जाके दिखाते हैं। फिर भी यहाँ पे आप लोग को टिकट जमा करना है, और टिकट चेक करा के फाइनली आप लोग को रोपवे का अंदर जाने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए रोपवे का भीतर जाके आप लोग को दिखाते हैं भीतर का नज़ारा कैसा है। और इतना हाइट से हम पहली बार रोपवे में सफ़र करेंगे, और इस गुवाहाटी रोपवे से आप लोग को गुवाहाटी सिटी को देखने के लिए कैसा लगता है देखते रहिए। तो जाती है अंदर, और अंदर क्या क्या बंदोबस्त है वो भी आप लोग को साथ शेयर करेंगे। तो हम आ चुका है गुवाहाटी रोपवे के अंदर, और हम लोग अभी बहुत ही ऊपर में हैं, और यहाँ से फिर आगे आप लोग को जाना है। और 30 आदमी का कैपेसिटी हम बता चुका है इस गुवाहाटी रोपवे में, और देख सकते हैं इसमें हमारा ट्रिप में 30 आदमी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 आदमी यहाँ पर सफ़र कर रहा है। तो आगे चलते हैं दिखाते हैं। और सामने आप लोग को जो दिखाई दे रहा है आइलैंड, यही है उमानंदो आइलैंड या उमानंदो टेम्पल भी यहाँ पे है। तो ज़रूर आप लोग गुवाहाटी आइएगा तो उमानंदो आइलैंड को विज़िट कर लीजिएगा, और गुवाहाटी रोपवे का सफ़र कर लीजिएगा। 150 पड़ेगा पर पर्सन के लिए बोथ साइड के लिए। 150 में आप लोग इधर से नॉर्थ गुवाहाटी जा सकते हैं, फिर भी आ भी सकते हैं। नॉर्थ गुवाहाटी जाके आप लोग को वहाँ पे ढोल गोविंद मंदिर भी है, वहाँ पे जाके आप लोग ढोल गोविंद मंदिर भी घूम सकते हैं, और कुछ दम ठहर सकते हैं वहाँ पे, थोड़ा होटल वगैरह है। तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोग को गुवाहाटी रोपवे का नज़ारा। तो देखते रहिए वीडियो का अंत तक बने रहिए। वीडियो का अंत में हम बताने वाले हैं गुवाहाटी रोपवे में घोस्ट को लेके, यानी भूत को लेके जो अफवाह फैलाया गया था या तो न्यूज़ में आया था गुवाहाटी रोपवे में आप लोग को घोस्ट
देख पाया गया उसका भी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आखिर गुवाहाटी रोपवे में क्या घोस्ट है, हम लोग क्या घोस्ट को देखने को मिला क्या नहीं, पूरा डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए, वीडियो का अंत में और भी मज़ेदार कुछ बारे में हम बताने वाले हैं। तो अभी देखते रहिए, उधर से भी एक रोपवे हम लोग की तरफ आने वाला पान बाजार की तरफ, तो इसका नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं। और आगे में अभी हम लोग इंडिया का सबसे छोटा रिवर आइसलैंड या वर्ल्ड का सबसे छोटा रिवर आइसलैंड उमानंद आइसलैंड को क्रॉस कर रहे हैं। और उधर आप लोग को दिखाई दिया उमानंद टेम्पल को, महादेव का जो मंदिर है उमानंद टेम्पल उसी को दिखाई दे रहा है। हम राउंड ट्रिप का जो हम घूमे हैं उसी को आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, जितना हो सके वीडियो ले सका तो वही से आप लोग को दिखा रहे हैं। ऊपर का टॉप व्यू देखिए उमानंद आइलैंड का, इतना बढ़िया लग रहा है। और या रोपवे से गुवाहाटी सिटी बाहर को जो पहाड़ में घिरा है उसको दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी हम लोग नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ पहुँचने वाले हैं और जहाँ पे घोस्ट का दिखाई दिया है बताया गया है। हम अभी 10 दिन पहले गुवाहाटी को घूम के आए हैं जुलाई महीना में, तो इस न्यूज़ को देखने के बाद ही हम गया था। तो अभी देखते हैं इधर जाके आप लोग को क्या दिखा सकते हैं। तो बताया गया था यही पे घोस्ट दिखाई दिया था, तो हम लोग को तो अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, या तो है बोल के हम लोग को भी पता नहीं है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ भी हम लोग बातचीत किए थे, लेकिन उन लोग को भी बोला ऐसा अफवाह फैलाया गया था, ऐसा कुछ नॉर्थ गुवाहाटी रोपवे में है ही नहीं। तो हम लोग नॉर्थ गुवाहाटी रोपवे में अभी एकदम अंतिम सीमा में पहुंच गए हैं, अभी उतरने वाले हैं। तो जो लोग गुवाहाटी आए हैं लेकिन गुवाहाटी रोपवे में सफ़र करने बिना चले गए, तो उन लोग के लिए हम गुजारिश करते ज़रूर गुवाहाटी रोपवे से गुवाहाटी शहर का आनंद उठाइए और ब्रह्मपुत्र रिवर का ऊपर से उमानंद आइसलैंड देखने का या तो उमानंद टेम्पल देखने का जो टॉप व्यू है वो भी बहुत मज़ेदार है यहाँ से। और गुवाहाटी शहर का देखने का तो नज़ारा ही कुछ अलग ही, 150 रुपीज़ पड़ेगा, ज़रूर आइए। और इस वीडियो में हम गुवाहाटी रोपवे का सारा डिटेल्स बताने का कोशिश किए, फिर भी मेरे से अगर कोई डिटेल्स या कोई जानकारी छूट गए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अभी तो शेयर करना ना भूले। और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो देखते रहिए गुवाहाटी रोपवे का एक और नज़ारा।